सुजलॉन, लगातार सवालों की झड़ी लगी हुई है और सुजलॉन जो है 5 दिन टूटा और 2 दिन से हम देख रहे हैं रिकवरी मोड में है। मॉर्गन स्टैनली ने अब शेयर की रेटिंग और लक्ष्य में बढ़ोतरी कर दी है। शेयर की रेटिंग इक्वल वेट से बढ़ा करके अब ओवर वेट कर दी है। हालांकि लक्ष्य देखें तो उसमें 20% का इजाफा दिया है करंट प्राइस से और करीब करीब 71 रुपये के आसपास जो है वो कंपनी का लक्ष्य जो है शेयर पर लक्ष्य जो है वो कर दिया गया है। और आज भी 5% का अपर सर्किट यहाँ पर लगा हुआ है, 62.22 रुपये का लेवल। मैम 62.22 पे चल रहा है, 71 का लक्ष्य मॉर्गन स्टैनली ने दिया है, क्या करें मैम? क्या ये रिकवरी थोड़ी सी सस्टेन करेगी? क्योंकि पहले 86 के बाद लोग 100 की बात करने लगे थे सीधे, और उसके बाद से 75, फिर 60-70 के नीचे, और फिर एक तेज़ गिरावट 60 के भी नीचे फिसलता हुआ दिखाई दिया। मैम सुजलॉन में दो तरह के लोग फंसे हुए हैं और बहुत लोग फ्रेश एंट्री भी करना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? क्या फ्रेश एंट्री के लिए कोई गुंजाइश है? और दूसरा, जो लोग हायर लेवल पे फंसे हुए हैं 70-75 के आसपास या इवन 80 के आसपास, उन्हें क्या करना चाहिए? क्या अभी वेट एंड वॉच की भूमिका में होना चाहिए? जी, फ्रेश एंट्री की भी गुंजाइश है। काफी टाइम बाद एक ऐसा स्टॉक आया जिसमें मैं बोल रही हूँ फ्रेश एंट्री भी की जा सकती है, तो कर सकते हैं फ्रेश एंट्री भी इस काउंटर में, लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखेंगे 53 का। तो 53 के स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश एंट्री करें, पहला टारगेट 68 और उसके बाद 71 का रखा जा सकता है। जो लोग ऊपरी स्तरों पे लिए हुए हैं वो भी यहाँ पे होल्ड करेंगे, स्टॉप लॉस सेम रहेगा। टारगेट अभी तो इनिशियली 71-73 के रहेंगे और उसके बाद पे नेक्स्ट 80 तक के भी देखने को मिल सकते हैं। समय सीमा हो सकती है 1 से 2 महीना यहाँ पे रखी जा सकती है। 1 से 2 महीना जो है ये नजरिया जो है रहना चाहिए आप लोगों का।